हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है, दिस इज़ योर PMR स्पेक्ट्रा ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और इसको बड़ा सीरियसली लेना, ठीक है। इस चीज़ को तो बहुत सीरियसली लेना, क्योंकि डेफिनेटली आपको यहाँ से एग्ज़ाम्स में तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आपसे अप्लाइड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। आपके सिलेबस में मैंशनड है, आई थिंक 9 है मेरे ख्याल से कंपाउंड्स, तो ईजी हैं, बहुत ईजी हैं, ठीक है। सारे के सारे बहुत इजी कंपाउंड्स हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किसका किसके केस में कितने सिग्नल्स आएंगे और वो डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट किस में स्प्लिट होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ भी याद रखो, ठीक है, क्योंकि वो शायद आप नहीं याद रख पाओगे। लेकिन ट्रिपलेट बनेगा, क्वार्टेट बनेगा, सिंगलेट बनेगा, किस में स्प्लिट होगा, ये चीज़ तो आपने जरूर याद रखनी है ड्यू टू स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग, ठीक है। वैल्यूज़ के लिए तो मैं आपको नहीं बोलता कि आप ये वैल्यू सारी की सारी याद कर लो, क्योंकि ये आपको याद रहेंगी भी नहीं। बाकी मैंने आपके पास कुछ एक रेंजेस जो हैं वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताई हैं, तो उनके थ्रू के ऊपर आप ये वैल्यूज़ जो हैं वो याद भी रख सकते हैं। तो देखिए, पहला जो मेरा कंपाउंड है, दैट इज़ जो इथाइल ब्रोमाइड, तो इसका स्पेक्ट्रा तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर करवा दिया हुआ है, ठीक है। इथाइल ब्रोमाइड दो तरह के मेरे पास डिफरेंट प्रोटोन्स हैं, ठीक है। ब्रोमीन एटम है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ये अटैच्ड है मेरे पास कार्बन एटम्स के साथ। तो जो इसके प्रोटॉन्स होंगे वो ज़्यादा डीशील्डेड होंगे ड्यू टू द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ दिस ब्रोमीन एटम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, ठीक है, तो जो बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, थोड़ा सा अवे हो जाएंगे। तो डेफिनेटली वहाँ पर आपके पास जब आप मैग्नेटिक फील्ड में आप कंपाउंड को रखोगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो अपोजिट फील्ड आपको कम देखने को मिलेगी और हमारे पास सिग्नल जो होगा वो डाउन फील्ड चला जाएगा। तो आपने क्या याद रखना है, दो सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है, वन ड्यू टू दिस टू प्रोटॉन्स और दूसरा आ रहा है इन तीन प्रोटॉन्स की वजह से। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, जब नेबरिंग कार्बन एटम हो, साथ वाले कार्बन एटम, उनके ऊपर प्रोटॉन्स लगे होते हैं, तो हमारे पास जो है वो स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखिए, पहला सिग्नल, ये मैं बात करता हूँ, किसकी बात करें, सबसे पहले पहली बात करते हैं हम इन CH3 प्रोटॉन्स की, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपने क्या करना, जो नेबरिंग कार्बन एटम है उसके प्रोटॉन काउंट करने, प्लस वन जो होगा आपके पास उतने में वो स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो CH3 प्रोटॉन के लिए आपके पास ये है, आपके पास CH2 प्रोटॉन, ये दो प्रोटॉन ये कपल करेंगे इनके साथ, ठीक है। तो सिग्नल कितने में आएगा, ट्रिपलेट आएगा, प्लस वन, दो प्लस वन, ठीक है। आपने एन प्लस वन रूल का याद ध्यान में रखना है। तो CH3 प्रोटॉन के लिए सिग्नल कहाँ पर आएगा, ट्रिपलेट आएगा, ठीक है। CH3 प्रोटॉन के लिए क्या आएगा, ट्रिपलेट आएगा ड्यू टू दिस टू प्रोटॉन्स, ठीक है। तो ट्रिपलेट है फॉर द थ्री प्रोटॉन ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप ड्यू टू दिस CH2Br ग्रुप, और वैल्यू कितनी है, 1.69। याद रहेगी तो रख लेना, नहीं रहेगी तो रहने देना। सिमिलरली CH2 प्रोटॉन्स है, इसके लिए सिग्नल कहाँ पे आएगा, इसके लिए सिग्नल आता है हमारे पास 3.34 के ऊपर, और कितने में स्प्लिट होगा, तीन प्रोटोन है, थ्री प्लस वन, टोटल हो गया चार, दैट इज़ योर क्वार्टेट। और इंटेंसिटी रेशियो क्या होती है ट्रिपलेट में, 1:2:1, क्वार्टेट की 1:3:3:1 यूजिंग पास्कल ट्राइंगल। और एक चीज़ और बोलूँगा, रिलेटिव एरिया, तीन प्रोटोन है, दो प्रोटोन है, 3:2, ठीक है। तो देखिए, अब सिग्नल किस तरह से रिकॉर्ड करना है आपने, ठीक है, डेल्टा स्केल, डेफिनेटली जीरो के ऊपर किसकी पीक आती है, TMS की। तो मैंने ये जो पीक ड्रॉ की है ये किसकी है, TMS की। जीरो तो हम रेफरेंस को मानते हैं, तो रेफरेंस भी दिखाना है अपने साथ में, TMS आपका रेफरेंस है जीरो, ठीक है। अब जो वैल्यूज़ हैं 1.69, ठीक है, किसकी आ रही है, ये ट्रिपलेट की आ रही है फॉर दी थ्री मिथाइल प्रोटॉन्स, तो ये ट्रिपलेट बन गया मेरे पास। सिमिलरली क्वार्टेट चार में स्प्लिट होगा इस तरह से, तो ये सिग्नल आएगा मेरे पास। तो ये एक्सप्लेनेशन है कि मिथाइलियम प्रोटॉन्स जो है वो डीशील्डेड है आपके पास ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास सिग्नल जो है वो डाउनफील्ड आएगा, और मिथाइल प्रोटॉन्स जो होंगे वो आपके पास ट्रिपलेट में स्प्लिट होंगे ड्यू टू एन प्लस वन रूल, ठीक है। क्वार्टेट में स्प्लिट होंगे और ट्रिपलेट में स्प्लिट होंगे, तो ये चीज़ें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मॉलिक्यूल की ओर, दैट इज़ योर नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो प्रोपाइल ब्रोमाइड होता है हमारे पास CH3, CH2, CH2Br, तीन तरह के प्रोटॉन्स हैं। ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, डेफिनेटली जो ये वाले प्रोटॉन्स होंगे जो साथ वाले जहाँ पे अटैच्ड हैं सबसे ज़्यादा डीशील्डेड होंगे, ठीक है। उसके बाद ये थोड़े से कम डीशील्डेड होंगे, और ये सबसे कम डीशील्डेड होंगे जो प्रोटॉन सी होंगे मिथाइल वाले, ये आपके पास सबसे ज़्यादा शील्डेड होंगे, फॉलोड बाय दिस वन, फॉलोड बाय दिस वन, ठीक है। तो मतलब तीन तरह के डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं, तीन सिग्नल देखने को मिलेंगे। तो अगेन वही बात करेंगे हम, NMR के अंदर तीन तरह के प्रोटॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला पकड़ते हैं हम, ठीक है, पहला मैं पकड़ने जा रहा हूँ आपके पास मिथाइल ग्रुप को, ठीक है, CH3 को, ठीक है। तो CH3 प्रोटॉन के नेबरिंग में कितने हाइड्रोजन आइटम्स हैं, दो हैं,
तो एन प्लस वन रूल क्या बोलता है, टू प्लस वन, तो मतलब इसका सिग्नल कितने में स्प्लिट हो जाएगा, तीन में, ड्यू टू दीज टू प्रोटोन्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, सी एच थ्री प्रोटोन्स के लिए आएगा ट्रिपलेट। ठीक है, बी विल गेट ट्रिपलेट, और वैल्यू कितनी है, देखिए अब मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, जीरो और वन के बीच में लाई करेगा, तो 0.9 के ऊपर है। ठीक है, फॉर थ्री प्रोटोन्स ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप ट्रिपलेट आ रहा है। ठीक है, और किसकी वजह से आया, ड्यू टू दिस। देखिए पेपर में ये चीज़ जरूर लिखनी है कि जैसे आप सिग्नल में मेंशन करोगे ना, तो आपने बताना है कि सी एच थ्री प्रोटोन्स जो है इनका सिग्नल आ रहा है आपके पास, ठीक है, इनके लिए ट्रिपलेट आ रहा है, ड्यू टू किसकी वजह से आया ये जरूर मेंशन करना है, तो ड्यू टू दीज टू प्रोटोन्स ऑफ मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, तो सेकेंड जो है हमारे पास, यहाँ मैंने कपलिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू मैंशन की है, तो इसको तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकेंड देखिए हमारे पास क्या है, ये बीच वाला प्रोटोन है CH2, तो इसका सिग्नल देखते हैं हम कहाँ पे आएगा। देखिए अब इसके एडजेसेंट कौन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, इस पे भी प्रोटोन है, इस पे भी प्रोटोन है। अब टोटल प्रोटोन कितने हो गए, तीन ये हैं, दो ये हैं, तीन प्लस दो कितने हो गए, पाँच। ठीक है, तो एन प्लस वन रूल क्या बोलता है, फाइव प्लस वन। ठीक है, एन प्लस वन रूल याद रखना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एन प्लस वन, इसको याद रखना आपने। ठीक है, तो अब देखिए मैंने एन प्लस वन लिख दिया ना यहाँ पे, तो PDF में भी आपको ऐसा ही शो होगा, तो इस चीज़ों को तो इग्नोर करना। ठीक है, तो इसका सिग्नल स्प्लिट होगा मल्टीप्लेट, मल्टीप्लेट मतलब सेक्स्टेट में आएगा, मतलब छः हमारे पास आएंगे इसी। ठीक है, और वैल्यू कितनी है, वैल्यू है आपके पास 1.83। ठीक है, तो ये जो दो प्रोटोन है हमारे पास मिथाइलिन ग्रुप के, दे विल स्प्लिट इन टू सेक्स्टेट ड्यू टू दीज थ्री प्रोटोन्स प्लस दीज टू प्रोटोन्स। ठीक है, तो CH2 Br की वजह से एंड CH3 की वजह से आपके पास सेक्स्टेट आएगा। थर्ड सिग्नल इन CH2 प्रोटोन्स की वजह से, इसके नेबरिंग में कौन है, ये दो प्रोटोन है, तो ये दो प्रोटोन एन प्लस वन के अकॉर्डिंगली स्प्लिट करेंगे ट्रिपलेट के अंदर। ठीक है, तो ट्रिपलेट आएगा 3.51 के ऊपर, और ये इतना इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों आ रही है डेल्टा स्केल में, क्योंकि ड्यू टू डी शील्डिंग, ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। ठीक है, तो ये मैंने सिग्नल ड्रॉ किया है, जीरो पे TMS ये जरूर ड्रॉ करना है। ठीक है, और ये मेरे पास तीन सिग्नल आ गए, तो ये किस किस की वजह से आया आपके पास, ये तो TMS की पीक हो गई है। ठीक है, जीरो और वन के बीच में लाई करेगा मेरे पास, ड्यू टू ये आपके पास जो CH3 प्रोटॉन्स है इनका सिग्नल। ठीक है, और ये मेरे पास मल्टीप्लेट आया हुआ है, छः पीक्स हैं, दिस इज़ ड्यू टू CH2 प्रोटॉन्स, और ये वाला है आपके पास ड्यू टू CH2 Br ग्रुप। ठीक है, तो आपने यही चीज़ बतानी है, उसके बाद रिलेटिव एरिया कितना आएगा, 3:2:2, 3:2:2 ये आपका रिलेटिव एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी सब वही है, नेगेटिव इफेक्ट हो गया ब्रोमीन आइटम का। ठीक है, तो प्रोटोन जो हमारे होंगे वो डी शील्डेड होंगे, कौन सा शील्डेड होंगे, तो ये चीज़ तो आप इजीली कर ही लोगे। तो ये मैंने आपके पास दो सिंपल कंपाउंड्स लिए हैं, सिमिलरली आप अदर कंपाउंड के साथ भी इसी तरह से खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो PDF जो है इस पेज की मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करो एग्ज़ाम्स के लिए, और बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, आसानी से कर सकते हो, वैल्यू नहीं रहेगी याद कोई चक्कर नहीं, लेकिन आपने क्या याद रखना है कि हमारे पास ट्रिपलेट आएंगे, डबलेट आएंगे, सेक्सटेट आएंगे, क्या आ रहा है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर।